थार 5 डोर का 4x4 का बेस वेरिएंट लेना है, लेकिन वो 13-14 लाख रुपए में तो आता ही नहीं। अब थार का बेस मॉडल लेकर आफ्टर मार्केट टॉप मॉडल बनवाने का सपना आपका सपना ही रह गया, क्योंकि वो आएगा 19-20 लाख रुपए का। उसमें पहले ही आपको इतने ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। राम राम जी। तो बहुत से भाइयों का ये सपना था कि थार 5 डोर आएगी, उसका 4x4 का बेस वेरिएंट ले लेंगे और फिर आफ्टर मार्केट काम करवा के उसको टॉप वेरिएंट बनवा लेंगे। लेकिन भाई महिंद्रा ने इस बार बहुत सा दिमाग लगाकर इस गाड़ी को लॉन्च किया है। अब जो इसका बेस वेरिएंट का प्राइस दिखा दिया आपको 13-14 लाख रुपए में स्टार्टिंग प्राइस है, लेकिन उसके अंदर आपको 4x4 का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। जो 4x4 का ऑप्शन मिल रहा है उसके लगभग आपको 18-19 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको डीजल के अंदर 4x4 मिलेगा। उन भाइयों के लिए बिल्कुल बढ़िया है जिनको सिर्फ रियर व्हील ड्राइव गाड़ी चाहिए थार 5 डोर, तो वो अपने 13-14 लाख रुपए लगाएंगे और मस्त अपनी गाड़ी लेके उसको टॉप वेरिएंट भी बनवा लेंगे और मस्त लेके घूमेंगे। लेकिन जिन भाइयों को 4x4 चाहिए उनको तो 18-19 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, और ऊपर से आपको उसमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते, फीचर्स लोडेड गाड़ी ही है। भाई ये वेरिएंट है MX5, इसके अंदर आपको जो पेट्रोल है मैनुअल मिल जाएगा, पेट्रोल में ऑटोमेटिक मिल जाएगा, डीजल में आपको मैनुअल मिल जाएगा ऑटोमेटिक मिल जाएगा, और जो 4x4 है वो आपको सिर्फ डीजल में मैनुअल देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक डीजल 4x4 नहीं मिलेगी। अगर डीजल में ऑटोमेटिक 4x4 चाहिए तो आपको AX5L के ऊपर जाना पड़ेगा, उस वेरिएंट में आपको ये मिलेगा। X5 है इसका भी भाई डीजल का, इसका जो प्राइसिंग है वो लगभग ऐसे लगा लो 16.5 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 18.5 लाख रुपए तक जाता है, लेकिन 4x4 का ये प्राइस नहीं है। चलो भाई अब मन मार के MX5 वेरिएंट ले लेते हैं 4x4 का मैनुअल के अंदर। तो अब इसके अंदर आपको क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, स्टार्टिंग में जो फ्रंट में आपको LED डायल्स मिल जाएंगे, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएंगे, LED फॉग लैम्प मिल जाएंगे, फेंडर पे जो इंडिकेटर वो भी LED मिल जाएंगे। डोर्स पे बात करें तो चारों पावर विंडो देखने को मिल जाएंगी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM देखने को मिल जाएंगे, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा। फिर बात करते स्टेयरिंग, तो लेदर रैप्ड स्टेयरिंग मिल जाएगा, लेदर रेटेड सीट मिल जाएंगी, स्टेयरिंग पे आपको म्यूजिक कंट्रोल मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल मिल जाएंगे, और जो MID है वो यहाँ पे आपको याद आ गया कि आपका थार पुरानी थार चला रहे हो, जो पुरानी थार की है वो एनालॉग वाली वो सिंपल आपको इसके अंदर MID मिलेगी। तो बात करते इसकी टच स्क्रीन, तो इसमें भाई 2 टच स्क्रीन महिंद्रा ने यूज कर रखी है, जो लोअर वेरिएंट उनमें तो सिंपल टच स्क्रीन आएंगी, लेकिन जो MX5 वेरिएंट है इसके अंदर आपको HD टच स्क्रीन देखने को मिलेंगी। उसके अंदर आपको 4 स्पीकर 2 ट्विटर मिलेंगे, यहाँ पे आपको हरमन गार्डन के स्पीकर देखने को नहीं मिलेंगे। टच स्क्रीन है वो एप्पल कारप्ले है वो तो सिर्फ आपको वायर मिलेगा, एंड्रॉइड ऑटो है वो वायरलेस भी कनेक्ट हो जाएगा, वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगा, ऑटोमेटिक AC नहीं है। इसके अंदर आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, एक इसके अंदर आपको ड्राइव मोड मिलेंगे वो सिर्फ उन वेरिएंट के अंदर जो रियर व्हील ड्राइव जिप और जूम, जो 4x4 होगा उसके अंदर आपको स्नो सैंड और मड वाला मिलेगा, और ये नॉर्मल एक्सप्लोरर वाले जो रियर व्हील ड्राइव उनके अंदर भी मोड देखने को मिलेंगे। एक इसके अंदर आपको फुटवेल लाइटिंग मिल जाएगी और एकोस्टिक विंडशील्ड मिलेगी। इसका क्या फायदा है कि जो यूवी रेज आती है उनसे आपको बचाएगी, ये भी बहुत से वेरिएंट में नहीं है, MX5 में आपको मिलेगी, और नॉइस रिडक्शन भी करती है, कहीं बाहर की आवाज आपको अंदर भी नहीं आने देती, इसमें भी आपका काम करती है। तो यहाँ पर बात करें ना, बहुत से आपको ऐसे फीचर्स देखोगे तो आपको लगभग सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सनरूफ भी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलेगी, सिंपल बस छोटी सी सनरूफ भी मिलेगी, पैनोरमिक नहीं मिलेगी। तो फीचर्स के मामले में बात करें तो बहुत से फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बाहर से काम कराने की जरूरत ही नहीं है। जो रियर सीट है वो आपको 60-40 स्प्लिट देखने को मिल जाएगी, फ्रंट आर्मरेस्ट मिल जाएगा, फ्रंट आर्मरेस्ट भी दोनों ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए अलग अलग है, तो उनको आप स्लाइड भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। रियर में आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, रियर AC वेंट मिल जाएंगे, 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट भी मिल जाएगा आपको। रियर में जो आपको USB पोर्ट मिलेगा वो टाइप सी मिलेगा, और उसके अंदर आपको 15 वोल्ट का मिलेगा, और अपर वेंट की तरफ जाओगे तो आपको 65 वोल्ट का इसके अंदर USB पोर्ट देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको 2 ही मिलेंगे, एक टाइप सी वो भी 15 वोल्ट का और एक USB A पोर्ट मिलेगा। टायर ट्रैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं रियर, रियर में आपको क्या मिलेगा, रियर वाइपर, रियर वॉशर, रियर डिफोगर, जो 5वां आपका टायर होगा स्पेयर टायर उसके अंदर आपको स्टील रिम देखने को मिलेगा, वहां पे आपको डायमंड कट अलॉय देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो चारों टायर है वहां पे आपको 18 इंच के अलॉय देखने को मिलेंगे डायमंड कट के। रियर में आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, और जो रियर डिस्क ब्रेक है ना वो आपको सिर्फ 4x4 डीजल में मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे, बाकी में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे। एक चीज का और ध्यान रख लेना, थार बुक कराने से पहले, अभी 2024 अगस्त चल रहा है और आपको बेस वेरिएंट वगैरह आपको जो ये 2025 के अंदर जाके मिलेंगे, लगभग 6 महीने साल का इंतजार आपको करना पड़ेगा, जैसे स्कॉर्पियो N में हुआ था। और फिर ऐसे इतना इंतजार कौन करता भाई, कई लोग तो बुकिंग कैंसिल भी करवा लेते हैं। तो अब जिसको चाहिए 4x4 और बेस वेरिएंट तो लगभग 1 साल का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। आज बुक कराई और बुक करा के भूल जाओ, अगले साल गाड़ी लॉटरी निकलेगी
तब आप निकाल ले लेना, क्योंकि ऐसा भाई जैसे स्कॉर्पियो एन में हुआ था वैसे इसमें ही होने वाला है, क्योंकि आइप तो पूरी बनी हुई है थार खरीदने के लोगों के, लेकिन ये बात सच है कि महिंद्रा पूरी गाड़ियां बेच भी नहीं पाता, और फिर इनमें भाई ऐसी ऐसी दिक्कतें आने लग जाती है जो महिंद्रा से सोल्व भी नहीं होती। तो अब भाइयों जैसे आप MX5 वेरिएंट ले रहे हैं मनमार के, तो अब उसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। एडास देखने को नहीं मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलेगा, वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलेंगे, फ्रंट व्यू कैमरा नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं मिलेंगे, ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलेगा, कूल्ड ग्लोव बॉक्स नहीं मिलेगा। ये वो फीचर्स है जो आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर कोई और वेरिएंट के बारे में पूछना तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना।